कृष्ण। तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन का प्रभुपाद जी ये भजन गाते थे, सिद्ध भक्त चरण रेणु। तो हम ये भजन गाएंगे, हमारे पीछे पीछे आप सभी दौड़िए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल, भक्त सेवा प्रेमलतिकार मूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, माधव तिथि कृष्ण बसती बसती बोली, कृष्ण बसती परम आदरे बोरी, परम आदरे बोरी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, गौरयामार जे सब स्थाने करिल भ्रमण रंगे, गौरयामार जे सब स्थाने से सब स्थान हेरी बयामी, से सब स्थान हेरी बयामी, प्रणयी भक्त संगे, प्रणयी भक्त संगे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे, मृदंग वाद्य सुनिते मन गौर विकित कीर्तन सुनी, गौर विकित कीर्तन सुनी, आनंद की दयनाचे, आनंद की दयनाचे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय, जुगल मूर्ति देखिया मोर
परमयानंद हाय प्रसाद सेवा करिते हाय प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाय सकल प्रपंच जाय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोल को भाए जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोल को भाए चरण सीधु देखिया गंगा चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए सुख न शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल तुलसी देखी जुराए प्राण माधव तो शनि जानी तुलसी देखी जुराए प्राण गौर प्रिय साको सेवने गौर प्रिय साको सेवने जीवन सार्थक मानी जीवन शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्ति बिनद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा भक्ति बिनद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवसे परम सुखे शिकार करे शिकार करे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परम हंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्री मधिष्ठवान ग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री गौनताई की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री प्रहलाद नृसिंहदेव की समवेत भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की श्री वरुथनी एकादशी महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदी All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna, तो हर एकादशी को जैसा नियम है श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ किया जाता है, तो आज हम उसी बिंदु से प्रारंभ करेंगे जहाँ पर पहले छूटा था। तो प्रभुपाद का साक्षात्कार चल रहा है संवाददाताओं के साथ, जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं तो वे प्रभुपाद के साथ कुछ साक्षात्कार करते हैं और वो फिर जो है आगे चल करके मीडिया में आएगा, है ना। तो प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वैदिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, है ना। तो विशेष जो चर्चा चल रही है और वो बड़ा जो है एक प्रकार से ऐसे कहेंगे कि चरम बिंदु है, इस चर्चा का चरम बिंदु है, है? और वो क्या है, स्त्रियों की स्वतंत्रता के विषय में, है ना। तो लोग बहुत संवेदनशील हैं और प्रभुपाद जो कुछ बोलते हैं तो उनके लिए वो बड़ा एक तरह के आघात लगता है, प्रभुपाद की बात से उनको बड़ा आघात लगता है। लेकिन हमें समझना है कि प्रभुपाद कितने स्थिर हैं, प्रभुपाद किसी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो यही चर्चा चली थी, थोड़ा सा पहले मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये बहुत गर्मा गर्म विवाद था, बहुत गर्मा गर्म विवाद, जैसे चाय गर्म होती है, गर्म गर्म चाय विवाद, गर्मा गर्म विवाद था। महिला साक्षात्कारकर्ता प्रभुपाद की अपमानजनक टिप्पणियों के लिए उनकी अवमानना करने पर उतारू थी। वो महिला, विशेष रूप से महिला अगर आ जाए सामने तो पुरुष तो कुछ विचार कर भी सकता है, लेकिन महिला है, स्त्री है, और वो अगर प्रभुपाद के साथ साक्षात्कार करे तो प्रभुपाद की अपमानजनक, ये प्रभुपाद की जो बातें हैं वो बड़ी अपमानजनक लगती हैं, तो प्रभुपाद की अवमानना करने पर उतारू थी। तब भी प्रभुपाद दृढ़ और अडिग बने रहे। वे भौतिक सभ्यता की अनेक अनेक विसंगतियों को रेखांकित करने वाले तर्क पर तर्क देते रहे। तो प्रभुपाद का जो है ये विशेष ये गुण है, प्रभुपाद की स्थिरता ये है ना। तो समस्या ये है कि चूंकि आज की जो शिक्षित सभ्यता है, आज की जो शिक्षा है, ये इस बात पर आधारित है कि अगला जीवन ही नहीं है, अगला जीवन ही नहीं है, तो फिर जितना हो सके इंद्रिय तृप्ति कर लो। तो फिर हमें क्यों ये सब नियमों का पालन करना है, किसी का न्याय क्यों सहन करें। इसलिए विदेशों में जो कानून है वो इस बात पर आधारित है कि हर व्यक्ति को अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का अधिकार है, अपने हिसाब से हर कोई इंद्रिय तृप्ति करे और कोई किसी की इंद्रिय तृप्ति में बाधा ना डाले। और यही बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, है? कि किसी ने किसी की इंद्रिय तृप्ति में बाधा डाली तो एक कानूनी अपराध। तो कानूनी आधार पर बना हुआ है कि मनुष्य जीवन के बाद कोई जीवन है नहीं, लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति है इस बात पर आधारित है कि मनुष्य जीवन तो बहुत थोड़ा है, अगला जीवन तो बहुत लंबा है और इसका जो दंड है वो भोगना पड़ेगा, ऐसे करोड़ों करोड़ों गुना और करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए भोगना पड़ेगा दंड, और पुरस्कार भी मिलेगा तो करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए या अनंत समय के लिए पुरस्कार मिल सकता है, आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद की बात को जो है ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गलती कहां पर है, शुरू में ही गलती है। इसलिए प्रभुपाद सबसे
ज्यादा जोर इसी बात पर देते थे कि अगला जीवन है, इस जीवन के बाद अगला जीवन है, और जब इस बात को स्वीकार कर ले इस जीवन के बाद अगला जीवन है, और वो जीवन बहुत लंबा है, ये तो बहुत थोड़ा सा जीवन है, तो आपको फिर थोड़ा तपस्या करने के लिए आप तैयार होते हैं कि हाँ कुछ अन्याय अगर हमारे साथ होता है और हम सहन कर लें तो उससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है। तो फिर कोई व्यक्ति सहर्ष जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लेता है। तो प्रभुपाद जो है अब यहाँ पर चूंकि अकेले हैं और बहुत लोग जो है विरोधी हैं, तो आगे प्रभुपाद एक वर्ग के रूप में स्त्रियों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं करते थे, और वास्तव में अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उन्होंने स्त्रियों को वैसे ही अवसर दिया था जैसा पुरुषों को। तो प्रभुपाद ने प्रचार के कार्य में किसी प्रकार का भेद नहीं रखा कि स्त्रियों को जो है पर्दे के अंदर रहना चाहिए, या स्त्रियों को प्रवचन में नहीं बैठना चाहिए, स्त्रियों को माला पंजाब नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी प्रभुपाद ने भेद नहीं रखा। लेकिन और यद्यपि संवाददाता ने उन्हें गलत समझा और अंध पुरुषवादी कहा, अंध पुरुषवादी, प्रभुपाद को क्या कहा, अंध पुरुषवादी, यानी पुरुषों के पक्ष में कोई व्यक्ति भी इतना अंधा हो जाता है कि फिर कुछ सोचते नहीं कि भाई स्त्रियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, तो प्रभुपाद को क्या वो समझ रहे हैं, अंध पुरुषवादी। ये प्रभुपाद कैसे हैं, अंध पुरुषवादी हैं, किंतु वास्तव में वे दयालु हैं, प्रभुपाद दयालु हैं, है ना। वैदिक दृष्टि के अनुसार स्त्रियों को शोषणवादी पुरुषों से रक्षा होनी चाहिए, एक दूसरा भी पक्ष है। प्रभुपाद जो इस विषय में जो बोल रहे हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, तो इसमें उनकी रक्षा का भी एक बहुत बड़ा विचार है। इस जीवन में भी एक बहुत बड़ी रक्षा है स्त्रियों की, अगले जीवन की बात अगर छोड़ दें, अगले जीवन का तो कितना बड़ा लाभ है, अगले जीवन की बात छोड़ भी दें तो इस जीवन में भी बहुत रक्षा है स्त्रियों की। अगर वे एक पुरुष के अधीन रहें तो बहुत पुरुषों के द्वारा उनका शोषण होने से रक्षा हो जाएगी। तो प्रभुपाद तो इस तरह से भी अगर देखा जाए तो प्रभुपाद की बहुत दया है, और अगर उस तरह से देखें तो बहुत दया है, वो तो कोई दया का कोई अंत ही नहीं है, कि आप अगले जीवन के लिए प्रभुपाद क्या दे रहे हैं आपको, वैकुंठ भगवान का धाम दे रहे हैं, कितनी दया है। लेकिन अगर ऐसे भी देखा जाए तो इस जीवन में भी बहुत दया है प्रभुपाद की, बहुत बड़ी रक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद, बहुत बड़ी रक्षा करा रहे हैं। अगर अगला जीवन नहीं भी मानते हो तो भी आपके लिए इस जीवन में बहुत बड़ी रक्षा है। क्या है कि वैदिक दृष्टि के अनुसार स्त्रियों को शोषणवादी पुरुषों से रक्षा होनी चाहिए। प्रभुपाद जानते थे कि उनकी बात को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, किंतु इस आशा में वे अपनी बात कहते रहे कि सत्य की विजय होगी और बुद्धिमान लोग उनकी बात को समझेंगे। महत्वपूर्ण बात स्वतंत्रता थी, अस्थाई सामाजिक ये यौन संबंधी बातें नहीं। आगे दूरदर्शन दल के जाने के बाद, दूरदर्शन ने टीवी, तो टीवी की जो टीम थी जब चली गई तो उसके बाद भी प्रभुपाद ने विचार विनिमय जारी रखा। जब चले गए प्रभुपाद, वो लोग चले गए, जो रिपोर्टर लोग चले गए, तो प्रभुपाद ने इस बात को जारी रखा अपने भक्तों के साथ। उन्होंने कहा कि भेंट वार्ता करने वाले का क्रोध होना उनकी पराजय प्रदर्शित करता था, वे तर्क स्वीकार करने को अनिच्छुक थे। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि अगर वो गुस्सा हो रहे हैं इसका मतलब है कि उनके पास तर्क नहीं है और वे केवल गुस्सा हो रहे हैं, तो वो हारे हैं, वो पराजित हुए हैं, इसलिए वो जो है उनके पास तर्क नहीं है तो वो गुस्सा हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। आगे प्रभुपाद फिर कहते हैं ये स्त्री स्वतंत्र सफल नहीं है, वो जो उन्होंने कानून बनाए हैं स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, ये सफल नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये सफल नहीं है, इससे अनर्थ पैदा हुआ है, इसने अनर्थ पैदा किया है। जब स्त्रियां सरकार के कल्याण दान पर निर्भर हो जाती हैं, क्योंकि अगर स्त्रियों को भी अधिकार है पुरुषों के समान और वे भी जो है स्वतंत्र घूमेंगी और अन्य अन्य पुरुषों से मिलेंगी, और जो है पुरुष भी स्वतंत्र घूमेंगे अन्य अन्य स्त्रियों से मिलेंगे, तो पुरुषों के ऊपर तो कोई भार नहीं है, स्त्रियों पर भार है, क्योंकि वो पुत्र उत्पन्न करेंगी, बच्चे उत्पन्न करेंगी और फिर बच्चों का पालन करेंगी, तो या तो बच्चों की हत्या करें या तो गर्भ में ही पैदा ना होने दें,
गर्भाधान ही ना होने दें, या गर्भ के अंदर बच्चे को मारें, या फिर गर्भ गर्भ से जन्म दे करके उन बच्चों को जो है लावारिस छोड़ दें कहीं भी, कहीं भी छोड़ दें, सड़क में कहीं छोड़ दें, कहीं भी स्थान में छोड़ दें, है ना। तो ये सब जो है क्या है, अनर्थ, ये सब अनर्थ है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि, और या फिर सरकार उनका पालन करें, सरकार की ओर से उनको व्यवस्था मिले। तो प्रभुपाद कहते हैं जब स्त्रियां सरकार के कल्याण धन पर निर्भर हो जाती हैं, तब सरकार को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारी कर लगाना पड़ता है। अब सरकार के ऊपर इतना भार आ गया, स्त्रियां जो स्वतंत्र हैं तो वे पुरुषों के शासन को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो सरकार के ऊपर अब इतना भार आ गया, तो सरकार क्या करेगी, अनावश्यक कर लगाएगी, जनता के ऊपर भारी कर लगाएगी स्त्रियों की का पालन करने के लिए। फिर प्रभुपाद कहते हैं यदि वो सोचती है कि ये कोई समस्या नहीं है तो इस पर क्या कहा जा सकता है। प्रकृति के नियम के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों का भार अपने ऊपर ले लेता है तो समस्या का समाधान तुरंत मिल जाता है। बस इतना ही है कि स्त्री को थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो आज भी जो भजन गाया गया है तो इसमें भी यही है कि हम जो है वैष्णवों के आगे हम झुकें, उनके कभी कभी कठोर व्यवहार को भी हम स्वीकार करें, नतमस्तक हो जाएं, है ना। गुरु हैं, शास्त्र हैं, आचार्य हैं, तो कभी कभी उनके व्यवहार में अन्याय भी अगर दिखाई पड़े तो भी हमें क्या करना है, झुके रहना है, है ना। तो उसमें कितनी सुरक्षा है। तो हमेशा हमें ये जीवन को समझना है कि बहुत थोड़ा जीवन है और इसमें हम जो है कुछ ऐसी तपस्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी कठिनाइयां स्वीकार कर लें जिनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त होगा और सुखी जीवन प्राप्त होगा। तो इसलिए यहां प्रभुपाद कहते हैं कि यदि प्रकृति के नियम के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों का भार अपने ऊपर ले लेता है, तो पति ने पत्नी और बच्चों का भार अपने ऊपर लिया है, तो अगर कुछ मामलों में अगर वो अन्याय भी करे तो पत्नी को अगर सहन करना सहन कर ले, क्या सोच कर कि जीवन बहुत थोड़ा है, जीवन बहुत थोड़ा है और अगला जीवन कितना, बहुत बड़ा अनंत जीवन है। अगला जीवन क्या है, अनंत है। तो ऐसे में फिर कोई कठिनाई नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं समस्या का समाधान तुरंत मिल जाता है, किंतु पुरुष लाभ उठाता है और स्त्री को गर्भवती बनाने के बाद उसे छोड़ जाता है। भाई स्त्रियों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो स्त्री कहती है मैंने तुम्हें त्याग दिया, पुरुष कहता है मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, स्त्री कहती है मैं भी तुम्हारा त्याग करती हूँ, और गर्भवती हो गई स्त्री, है ना। तो समस्या पैदा होती है, लेकिन यहाँ सिद्धांत यह है कि पुरुष कहता है मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तो स्त्री कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे बिना। तो तरीका यह है, अगर पुरुष कहता है कि तुम्हारी जो इच्छा है तुम जहां जाना चाहो जाओ, मुझे मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, तो स्त्री क्या कहेगी, स्त्री कहेगी कि मेरी और कोई गति नहीं तुम्हारे सिवा, मेरे पिता ने अपना हाथ मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है, अब तुम्हारी मैं तुम्हारे पर आश्रित हूं। तो इस तरह से अगर स्त्री झुकेगी तो प्रभुपाद कहते हैं तो समस्या का समाधान तुरंत मिल जाता है, किंतु पुरुष लाभ उठाता है, स्त्री को गर्भवती बनाने के बाद उसे छोड़ जाता है, तब स्त्री कठिनाई में पड़ जाती है और सरकार भी कठिनाई में पड़ जाती है। तो कितनी बाधाएं हैं, एक अपनी जो स्वतंत्र भावना है उसको बनाए रखने के लिए कितनी बाधाएं आ रही हैं, कितनी बाधा आ रही हैं स्त्री के जीवन में, कितनी बाधाएं हैं और सरकार के ऊपर कितनी बाधाएं। आगे भक्त ने कहा, प्रभुपाद के साथ जो भक्त हैं, अभी तो रिपोर्टर चले गए हैं तो भक्तों से प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। तो भक्त ने कहा और बच्चा बड़ा होकर अपराधी बन जाता है, बच्चा बड़ा होकर अपराधी करता है बन जाता है, क्योंकि पुरुष और स्त्री जब गर्भाधान होता है तो समय इंद्रिय तृप्ति का ही केवल विचार करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही केवल जीवन का उद्देश्य है।
और जो है बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा भी होता है कि मेरे पिता ने मेरी माता को छोड़ दिया है, और क्यों छोड़ दिया, सब अपने स्वतंत्र इच्छा के कारण, तो बच्चा भी क्या होता है, अपराधी बन जाता है। बच्चे को भी कोई संस्कार नहीं, कोई शिक्षा नहीं मिलती, अगले जीवन की कोई शिक्षा नहीं मिलती, जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है, इस प्रकार से बच्चा भी अपराधी बन जाता है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, हाँ ये एक दूसरी समस्या है, सरकार दूरदर्शी नहीं है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, सरकार दूरदर्शी नहीं है। दूरदर्शी मतलब दूर तक का सरकार सोचती नहीं है, इसलिए हमें कृष्ण से उपदेश ग्रहण करना है। हम इस ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं कि आप कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करें तो आप प्रसन्न रहेंगे। तो कृष्ण गोपियों से बोलते हैं भागवत के जो राज पंचाध्यायी है, तो उसमें भगवान कृष्ण गोपियों को उपदेश देते हैं, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे धनो पिबा पति स्त्री भिर नहातव्यो लोके सुभिर पात की। पति जो है दुशील हो, दुशील का मतलब है स्वभाव बड़ा खराब है। कभी कभी पति का स्वभाव बड़ा खराब होता है। दुशीलो दुशीलो दुर्भगो, या पति बड़ा अभागा है, उसका भाग्य साथ नहीं देता है, और दुर्भाग्य के कारण जितनी भी स्थितियां हैं वो सब प्रतिकूल होती जाती हैं, बाधाएं आती जाती हैं, तो भी स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति दुशील हो या दुर्भगा अभागा हो, दुशील हो दुर्भगो वृद्ध हो बूढ़ा हो, पति वृद्ध है तो भी स्त्री को त्याग नहीं करना चाहिए पति का। दुशील हो दुर्भगो वृद्ध हो जड़ो, जड़ है यानी मूर्ख है, अशिक्षित है, स्त्री बहुत शिक्षित है, जड़ है तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी, रोगी है, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है उसको, तो स्त्री छोड़ दे पति को, तो भगवान कहते नहीं। रोगी अधनो पिबा, अधन निर्धन है, बड़े घर की लड़की है और बिल्कुल निर्धन पति मिल गया है, तो भगवान कहते हैं पति स्त्री भी नहातव्यो, तो भी स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। लोके सुभिर, अगर वो उत्तम लोक की कामना करती, अपात की, अपात की यानी पापी ना हो, तो अगर पापी है पति तो फिर स्त्री को कुछ अधिकार है, कुछ हद तक पति का त्याग करे, पूरी तरह से फिर भी त्याग नहीं कर सकती, लेकिन कुछ हद तक पति का त्याग करे कि उसके पापों में सहयोग ना दे, पापों का समर्थन ना करे। तो भगवान क्या कहते हैं, लोकेप सुभिर, लोकेप सुभिर मतलब उत्तम लोक पाना जो चाहती है, उत्तम लोक जाना चाहती है, इन अगले जीवन का विचार करते हुए। तो यहां पर भगवान जो है दृष्टि दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी कार्य करना है वो अगले जीवन का विचार करते हुए करना चाहिए, क्योंकि अगला जीवन बहुत लंबा है या अनंत है। अगर नरक में चले गए तो दो करोड़ों वर्षों तक जो है नरक में ही यातना भोगते रहेंगे, और स्वर्ग में चले गए तो करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में, अगर भगवान के धाम चले गए तो हमेशा के लिए सुख मिलेगा। तो लोके सुभिर, अगर स्त्री को जो है उत्तम लोकों की कामना है तो वो पति का त्याग ना करे, तो ये भगवान की शिक्षा है। तो यहां प्रभुपाद कहते हैं इसलिए हमें कृष्ण से उपदेश ग्रहण करना है। हम इस ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं कि आप कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करें तो आप प्रसन्न रहेंगे। तो फिर सस्वरूप बोल रहे हैं, यहां पर सस्वरूप लिखा हुआ है, अभी जो महाराज हैं वो सस्वरूप कहते हैं, श्रील प्रभुपाद यदि हम ये चीजें टेलीविजन पर और समाचार पत्रों में कहें और लोग नाराज हो जाएं, और सभी लोग नाराज हो जाएं, जैसा कि वो महिला भी हुई थी, तो इससे भी क्या हमारा अच्छा प्रचार होता है? अच्छा प्रश्न है, लोग नाराज ही होते हैं, और हम जो है अगर यही बात अगर टेलीविजन में समाचार पत्रों में भी दें और लोग नाराज ही होंगे तो क्या अच्छा प्रचार होगा? अच्छा प्रश्न है। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, तब हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। लोग नाराज होते हैं है? तो फिर उस बात को छोड़ करके फिर आप कीर्तन करो,
लेकिन समझौता ना करो। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि समझौता करो कि ठीक है भाई कुछ हम भी सही हैं आप भी सही हैं, ये भी नहीं है, या हम भी गलत हैं आप भी गलत हैं, ये भी नहीं है, या आप सही हैं हम गलत हैं, ये भी नहीं। तो प्रभुपाद की जो है ये विशेष विशेषता है कि कभी अगर इस तरह का विवाद होता है तो प्रभुपाद जो है उस विषय को छोड़ करके और जो है कृष्ण भावनामृत के विषय में आ जाते हैं। कि विषय ये यहां भी जो है जब प्रभुपाद कहते हैं क्षमा करिए मैंने कुछ छोड़ दिया है, यहां जो शुरू हुई थी वो यहां से शुरू हुई थी कि भक्त कहता है उनका सतीत्व ही उनका सबसे बड़ा गुण था, लेकिन आजकल तो ये सच नहीं रह गया। भक्त ने कहा है कि स्त्रियों का सतीत्व, तो प्राचीन काल में जो स्त्रियां थी तो प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया था सीता महारानी का कि उनको तो वनवास नहीं मिला था, राम को वनवास मिला था, या सीता जी ने राम के साथ वनवास स्वीकार किया। तो भक्त कहता है उनका सतीत्व ही उनका सबसे बड़ा गुण था, किंतु आजकल तो ये सच नहीं रह गया। तो प्रभुपाद कहते हैं आजकल अंतर आ गया होगा, किंतु मैं तो वैदिक विचारधारा की बात कर रहा हूं। तो प्रभुपाद इस बात में नहीं पड़े कि स्त्रियां अब सतीत्व का पालन नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने इस विषय को छोड़ दिया। नहीं तो केवल बुराई ही शुरू हो जाती कि आजकल की स्त्रियां इतनी गलत हैं, आजकल की स्त्रियों का ऐसा भाव है, ये तो ये बुराई शुरू हो जाती। तो प्रभुपाद ने उसको जो है लिया नहीं, उस विषय को नहीं लिया कि आजकल की स्त्रियों में सत्य तो नहीं रह गया है, इस बात को नहीं लिया प्रभुपाद ने। क्योंकि अगर सब कुछ कारण है तो शिक्षा का ही कारण है, शिक्षा में ही दोष है। तो प्रभुपाद ने फिर ये बात ली ही नहीं कि स्त्रियों में सत्य तो नहीं रह गया। तो प्रभुपाद कहते हैं आजकल अंतर आ गया होगा, किंतु मैं तो वैदिक विचारधारा की बात कर रहा हूं। बस प्रभुपाद विचार वैदिक विचारधारा के अनुसार सभी परिस्थितियों में जब तक कि पति सनकी या पागल ना हो, पत्नी हर बात में उसके प्रति निष्ठावान और उसके अधीन रहती है। जब पति घर त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है तब भी स्त्री उसके साथ जाती है, जब वो संन्यास ले लेता है तब स्त्री उसके साथ नहीं जाती, अन्यथा गृहस्थ आश्रम में, यहाँ तक कि वानप्रस्थ आश्रम में भी स्त्री पति के साथ सदैव बनी रहती है और उसके अधीन रहती है। गांधारी के पति अंधे थे, जब गांधारी का विवाह निश्चित हुआ तब वो अंधी नहीं थी, किंतु वह स्वेच्छा से अंधी बन गई और अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी बांधे रहती थी। वैदिक साहित्य में ऐसे बहुत से उदाहरण है, पत्नी सदैव पति के अधीन और उसके प्रति निष्ठावान रहती है, इसी में उसकी पूर्णता है। अमरीकी लोग इस विचार को हो सकता है नापसंद करें, किंतु ये अलग बात है। तो प्रभुपाद जो है अपनी बात को अलग बता देते हैं, फिर इस विषय में नहीं पढ़ते भाई वो लोग स्वीकार क्यों नहीं करते और उनके ऊपर फिर प्रहार करें, उनके ऊपर आघात करें, उनकी निंदा करें। तो प्रभुपाद ये नहीं, इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षा में दोष है तो फिर किसको दोष दिया जाए कि भाई ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, ये अगला जीवन नहीं समझ रहे हैं लोग। तो इसलिए प्रभुपाद इस विषय में नहीं जाते कि स्त्रियों की निंदा करें या पुरुषों की निंदा करें, वो क्यों इस बात को नहीं मानते, वो क्यों नहीं समझते इस बात को, है ना। तो प्रभुपाद जो है विषय को जो बड़ा बड़ा स्पष्ट रखते हैं। आगे टेलीविजन का एक 5 सदस्यीय दल प्रभुपाद के घर पहुंचा, 5 लोग आए टेलीविजन के लोग, उनमें 4 स्त्रियां थीं और 1 पुरुष था। स्पष्ट था कि वे कोई तर्क प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने प्रकाश की व्यवस्था की और उपकरण यथास्थान स्थापित किए, प्रकाश खूब लाइट, है ना, टीवी में आएंगे ना प्रभुपाद, प्रभुपाद बोल रहे हैं तो खूब लाइट, उन्होंने व्यवस्था की और उपकरण स्थापित किए। इस बीच प्रभुपाद शांत भाव से अपनी चौकी के पीछे बैठे रहे, उनके कुछ शिष्य उनके सामने फर्श पर बैठे थे। साक्षात्कर्ता ने पहले प्रभुपाद से अमेरिका की समस्याओं में उनका समाधान पूछा। समाज की तुलना मानव शरीर से करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि यह तो शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण है, किंतु उनमें सिर सबसे महत्वपूर्ण है। सिर के ठीक काम न करने पर मनुष्य अथवा समाज पागल हो जाता है, इसलिए प्रथम श्रेणी के मनुष्यों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद ने मानव समाज के लिए बात की, है ना। तो 4 चातुर्वर्ण माया सृष्टम, 4 वर्ण है, और प्रभुपाद ने कहा ब्राह्मण जो है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ब्राह्मण अगर ठीक ना हो, सही तरीके से काम ना करें तो इसे दिमाग
ठीक से काम ना करे तो क्या होता है, आदमी पागल हो जाता है ना। तो महिला संवाददाता ने पूछा, स्त्री थी, उसने पूछा इन चार वर्गों में स्त्रियों का स्थान कहां आता है। श्रील प्रभुपाद ने पुनः दोहराया, स्त्रियां पुरुषों के अधीन है इसलिए उनका स्थान उनके पतियों की स्थिति के अनुसार है। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो स्त्री जो है जिसके साथ होगी उसी का वर्ण वही है आगे। और इस तरह ये चलता रहा। प्रश्न चुनौतियों से पूर्ण थे, क्या आप समझते हैं कि मैं आपसे हीन हूं। वो स्त्री बोली, क्या आप समझते हैं मैं आपसे हीन हूं। साक्षात्कर्ता को देश ये दिखाना था कि प्रभुपाद पूर्वाग्रह ग्रसित थे, कि प्रभुपाद जो है अपने आग्रह में फंसे हुए हैं, है ना। किंतु वे तो केवल शुद्ध दर्शन की बात कर रहे थे, शुद्ध सिद्धांत, प्रभुपाद शुद्ध सिद्धांत की बात कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा आध्यात्मिक दृष्टि से सब समान है, फिर भी भौतिक दृष्टि से पुरुष और स्त्री के बीच भेद पर उन्होंने बल दिया। भौतिक शरीर में जो है भेद है स्त्री और पुरुष में। उन्होंने कहा उदाहरण के लिए स्त्री बच्चा पैदा कर सकती है लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, क्या पुरुष के लिए गर्भ धारण करना संभव है। प्रभुपाद ने साक्षात्कर्ता बोली, यदि स्त्रियां पुरुषों के अधीन ना हो तो क्या होगा। स्त्री पूछ रही है पुरुषों के अधीन ना हो तो क्या नुकसान होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं तब विघटन होगा, सामाजिक विघटन। विघटन मतलब टूटना, टूटेंगे परिवार, टूटेंगे समाज, सब टूट जाएगा। इसीलिए पाश्चात्य देशों में इतने अधिक संबंध विच्छेद होते हैं, संबंध विच्छेद तलाक है ना। पश्चिमी देशों में इसलिए इतने अधिक तलाक होते हैं क्योंकि वहां स्त्रियां पुरुषों के अधीन रहना स्वीकार नहीं करती। तो साक्षात्कर्ता बोली आपके पास उन स्त्रियों के लिए क्या उपदेश है जो पुरुषों के अधीन नहीं रहना चाहती। भी बराबर अधिकार अपना चाहती हैं, अधीन नहीं रहना चाहती, क्या उपदेश है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये मेरा उपदेश नहीं है किंतु ये वैदिक ज्ञान का उपदेश है कि स्त्री को पतिव्रता और निष्ठावान होना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद फिर उसी बात पर आए कि स्त्रियां बच्चे पैदा करते हैं किंतु पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जो ही आपको बच्चे होते हैं प्रकृति से ही आपको पुरुष की से सहायता की आवश्यकता होती है, नहीं तो आप कठिनाई में पड़ जाती हैं। स्त्री बच्चे पैदा करेगी, पुरुष काम करता है, मेहनत करता है और परिश्रम से धनोपार्जन करता है और अपनी स्त्री को बच्चे को पालता है। स्त्री अगर बच्चे पैदा करेगी तो कैसे परिश्रम करेगी, क्या करेगी। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं तो आप कठिनाई में पड़ जाते हैं। तो साक्षात्कर्ता बोली अनेक स्त्रियों को बच्चे हैं किंतु अपने पत्नियों से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, उनके पति नहीं होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं तब उन्हें दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती, सरकार आपकी सहायता करती है किंतु सरकार को कठिनाई होती है। यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों को अवलंबन देता है तो सरकार को बहुत सारे कल्याण अनुदान से राहत मिल जाती है, सरकार का भार उतर जाता है अगर पति भार लेता है। स्त्री को क्या चाहिए, झुकना चाहिए। अगर किसी बात में कुछ मतभेद हो जाए तो स्त्री को क्या करना चाहिए, झुकना चाहिए। तो प्रभुपाद का ये कहना है इसलिए ये एक समस्या है, पुरुष और स्त्री साथ रहते हैं, स्त्री गर्भवती होती है और पति भाग जाता है तब वो दीन स्त्री अपने बच्चे के साथ कठिनाई में पड़ जाती है, उसे सरकार से भीख मांगनी पड़ती है। तो क्या आप समझती हैं कि बहुत अच्छी चीज है। वैदिक विचार ये है कि स्त्री का ब्याह पुरुष से होना चाहिए और उस पुरुष को उस स्त्री का और अब बच्चों का भार अपने ऊपर लेना चाहिए जिससे वे सरकार या समाज के ऊपर भार ना बने। तो विवाह के समय ये सब बातें बताई जाती हैं, जो वैदिक प्रथा है उसमें जो है बताई जाती है कि पुरुष की कितनी जिम्मेदारी है, जीवन भर साथ नहीं छोड़ना है और जो है रक्षा करना है, व्यवस्था करना है, पालन करना है, घर चलाना है। और स्त्री के लिए भी बताई जाती है कि वो अपने पति का साथ ना छोड़े। बहुत सी जो बातें हैं, शर्तें हैं, वो विवाह के समय बताई जाती हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अब साक्षात्कर्ता क्या बोली, उन स्त्रियों के बारे में आपका क्या कहना है जो बच्चे उत्पन्न नहीं करती, बच्चे ही ना पैदा करे स्त्री, तो इससे सरकार के ऊपर भार नहीं पड़ेगा, स्त्री स्वतंत्र रहेगी। तो प्रभुपाद कहते हैं तो वह एक अन्य अप्राकृतिक स्थिति है, कभी कभी वे गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल करती हैं, कभी वे गर्भपात कराती हैं, बच्चे को मार डालती हैं
ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है, ये सब पाप के कर्म हैं, इनके लिए उन्हें दुख भोगना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कलाही से नहीं, कलाही से कूदे तो आग में गिरे, कलाही से कूदे तो आग में गिरे, है ना। तो इसी प्रकार से स्त्रियां जो है अपने पति के कुछ अन्याय को अगर नहीं सहन करना चाहती हैं तो उनको कितनी कठिनाई आएगी। आगे ये बहुत गर्मा गर्म विवाद था, ये मैंने पढ़ा था। तो अब आगे तो सत्स्वरूप महाराज ने जब ये प्रश्न पूछा कि टेलीविजन में समाचार पत्रों में अगर हम इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं तो क्या हमारा प्रचार सफल होगा, तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, तब हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, किंतु भगवद गीता में इन सभी चीजों पर विचार किया गया है। वर्ण संकर और प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का पुरुष, वर्ण संकर गीता में भगवान ने बताया, अर्जुन ने कहा ना संकरो नरकाय कुलखना नाम कुलसचा, जो वर्ण संकर पैदा होता है तो वो कुल घातियों के लिए और पूरे कुल के लिए भी नारकीय जीवन पैदा करता है। और प्रथम श्रेणी के पुरुष होते हैं, द्वितीय श्रेणी के पुरुष होते हैं और वर्ण संकर पुरुष होते हैं। यदि हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो हमें चर्चा करनी होगी, यदि वे इसे पसंद नहीं करते तो अच्छा होगा कि हम कीर्तन करें। हम किसी चीज पर बहस ना करें, यदि आप भगवद गीता से सुनने को राजी नहीं है तो आइए हम एक साथ हरे कृष्ण कीर्तन करें। समझौता नहीं करना है, इन विषय को बदल दो, चलो ठीक है भाई, एंटरटेनमेंट करते हैं बस। किंतु इन चीजों पर भगवद गीता में विचार हुआ है, वहां कहा गया है कि जब जनसंख्या अवांछित होती है और वो बढ़ती है तो सब नरक बन जाता है, इसलिए आप नारकीय व्यक्तियों की वृद्धि चाहते हैं तो चर्चा मत कीजिए, किंतु यदि आप सोचते हैं कि एक समस्या है तो इस पर विचार करना होगा। आगे सत्स्वरूप कहते हैं, ब्राह्मणों के रूप में हमें सत्यनिष्ठ होना है। हांगकांग में उन्होंने आपसे पूछा था कि उस गुरु के संबंध में आपका क्या विचार है जो कहता है कि मैं ईश्वर हूं। आपने कहा था कि आप स्वयं को बस में नहीं रख सके थे और उसके विरुद्ध बोल पड़े थे। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, मैंने कहा था कि वो बड़ा मक्कार है, मैं और क्या कह सकता हूं, और अब तो ये सिद्ध भी हो चुका है, जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में कहा है, ये चंद्र यात्रा बचकाना है और ये अब सिद्ध भी हो चुका है। तो पहले प्रभुपाद की बात को जो है सुन करके कई भक्त लोग छोड़ के चले गए प्रभुपाद को, पूरी दुनिया में आया है और सब रिकॉर्डिंग हुआ है, वो चंद्रमा में गए हैं और उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है चंद्रमा में, और प्रभुपाद कहते हैं कि संभव नहीं है कि चंद्रमा में गए, तो उस समय कई भक्तों ने प्रभुपाद को छोड़ दिया, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अब सिद्ध हो चुका है कि वो चंद्रमा में नहीं गए, कि दोबारा फिर वो गए ही नहीं, और ये बता दिया कि भाई वहां कुछ नहीं है, खाली मिट्टी है, पत्थर है, कुछ नहीं है, जैसे कहते हैं ना लोमड़ी खट्टे हैं अंगूर, जब उछलती रही अंगूर मिले नहीं तो उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा में तो गए नहीं, तो वो जो है एरोजोना एक स्थान है, वहां पर जो है शूटिंग करके उन्होंने दिखा दिया हम चंद्रमा में गए हैं, और वहां पर क्या है, यही पत्थर है, पत्थर और कुछ नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अब सिद्ध हो चुका है कि वो चंद्रमा में नहीं गए, लेकिन उस समय मैंने भी प्रभुपाद की ये पुस्तक पढ़ी थी जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड थे, तो उस समय मैं IIT कानपुर में था, और जब मैंने पढ़ा था तो ये समय था 77-78, हाँ 78 का समय था, तो उस समय भी जो है मुझे कोई सूचना नहीं थी, तो जब प्रभुपाद ने लिखा कि ये लोग नहीं जा सकते, कभी सफल नहीं होंगे, तो मुझे भी इस बात में बड़ा आघात लगा था कि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिख दिया, फिर भी मैंने उस बात को छोड़ दिया, क्योंकि और सब बातें तो प्रभुपाद की बड़ी मान्य थी, बहुत दिव्य थी, तो मैंने छोड़ दिया। बाद में फिर सब कुछ खुला कि ये भी जो है मतलब झूठी था, प्रभुपाद ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा।
तो प्रभुपाद कहते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में कहा है कि ये चंद्र यात्रा बचकाना है और अब ये सिद्ध भी हो चुका है। अब वे चंद्र अभियान की बात नहीं करते क्योंकि वो विफल रही है। तो वो जो है कौन सा पोला था, 11 नंबर का पोलो था जिसमें वो उन्होंने दिखाया कि चंद्रमा में पहुंच गए, अपोलो 11। और वो समय था 71 का है, 69। तो उस समय बहुत मतलब चर्चा हो रही थी, वे चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा में चले गए, बहुत चर्चा हो रही थी। लेकिन दोबारा उन्होंने जो है फिर प्रोग्राम नहीं बनाया चंद्रमा में जाने का। तो यहाँ पर हमने निश्चित किया था कि यहीं पर ही हम छोड़ेंगे, इस बिंदु पर छोड़ेंगे। और अब आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा होनी चाहिए, कोई प्रश्न होना चाहिए, या मैं प्रश्न करूं, क्योंकि विषय बहुत रोचक है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? मोहन रूपा प्रभु, मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, इनको माइक, ये माइक चालू कर दिया मैंने। चालू है, चालू है, बोलिए बोलिए, आ जाएगा, आ जाएगा। थोड़ी देर लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, तो आ जाएगा, बोल। नहीं आ रहा, लाइट नहीं जल रही है, लाइट जल रही है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हरी बोल, हरी बोल, हरी कृष्णा, आ रही आवाज है? अच्छा। हरी बोल, हरी बोल, ये काम नहीं करो, उधर से चालू करो। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लोग क्या हैं? कौन बताएगा? प्रभुपाद ने कहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लोग, कौन बताएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और तीसरी श्रेणी वैश्य, चौथी श्रेणी शूद्र, ठीक है ना? तो चार श्रेणियां हैं। दो श्रेणी तो प्रभुपाद ने मतलब बताया इस तरह से, लेकिन अगर और गहराई से देखा जाए तो ऐसे चार श्रेणी है, फिर पांचवी श्रेणी, छठवीं श्रेणी, दसवीं श्रेणी के भी लोग हैं। हाँ जी, हरि बोल। ये चालू नहीं किया, इसको चालू नहीं किया? हाँ जी, इनका प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जैसे बताया गया कि महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं, लेकिन हमारे आंदोलन में तो कुछ महिलाएं हैं जो कि जीबीसी भी बनी हुई हैं। तो ऐसा है कि स्त्री के दो रूप होते हैं, एक तो हरि बोल, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अब ये हैंडमाइक काम नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को जोर से बोलना पड़ेगा प्रश्न करने के लिए। तो अभी बड़ा अच्छा एक विषय उठा है कि जो प्रभुपाद ने बताया है कि स्त्रियां हैं पुरुषों के अधीन हैं, लेकिन हमारे आंदोलन में कुछ स्त्रियां हैं जो कि जीबीसी भी हैं और सन्यासियों का इंटरव्यू लेते हैं, तो इस विषय में कैसे हम समझें इस बात को। तो इसको हमें समझना है कि स्त्री के तीन रूप हैं, एक तो पुत्र के रूप में है, दूसरा पत्नी का रूप है, तीसरा माता का रूप है।
तो माता जो है के रूप में स्त्री सबसे पहले गुरु होती है, मनुष्य जीवन में सबसे पहले जो गुरु है वो माता होती है। तो माता के रूप में भी जो है स्त्री का बहुत बड़ा जो है कार्य होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जैसे जहनाबाद देवी हैं, नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, तो वो भी जो है गुरु थी और वो भी भक्तों को मार्गदर्शन देती थी। तो कई स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जो स्त्रियां हैं वो माता की तरह कार्य करती हैं और गुरु की तरह भी कार्य करती हैं। लेकिन सामान्यतः स्त्री के लिए बताया गया कि वह अधीन रहे, पुरुषों के अधीन रहे, लेकिन कुछ मामलों में उनसे मार्गदर्शन मिलता है। फिर भी उनकी सुरक्षा तो होनी चाहिए। स्त्री है, ब्राह्मण है, बालक है, गाय है, और क्या है, पांच वृद्ध, इनकी रक्षा होनी चाहिए, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। इनसे हमें बहुत लाभ प्राप्त होते हैं, बहुत से मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं ब्राह्मणों का भी। उसी प्रकार से स्त्रियां भी जो है वो गुरु की तरह भी कार्य करती हैं, ब्राह्मण की तरह कार्य करती हैं और बहुत कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो ये सब परिस्थितियों के अनुसार ये सब बातें लागू होती हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं आपका? इनका प्रश्न है कि ससुर महाराज ने जैसे कहा था प्रभुपाल से कि अगर इसी बात को लेकर के अगर हम समाचार पत्रों में और जो है टीवी में अगर ये इस बात का प्रचार करते हैं तो समाज में फिर कैसा प्रभाव होगा, हमारे प्रचार का कैसा प्रभाव होगा। तो प्रभुपाल ने कहा था कि हमें फिर हरे कृष्ण का ही प्रचार करना चाहिए, हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। तो प्रभुपाल ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है ना। और इस समय चूंकि कलयुग बढ़ रहा है और कलयुग इसी अज्ञान पर आधारित है कि अगला जीवन नहीं है, और तो चूंकि आज का जो समाज है, आज की जो शिक्षा है वो अगले जीवन को नहीं मान रही है, तो इस कारण से ही सब अनर्थ हो रहे हैं। तो हम सीधे इस अनर्थ का विरोध नहीं करते, हम सीधे सीधे इस अनर्थ का विरोध नहीं करते, क्योंकि अनर्थ की जो जड़ है वो अज्ञान है। तो हम अज्ञान को काटने की कोशिश करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण का जो कीर्तन है ये हमारी चेतना को शुद्ध करता है। तब हम भगवद गीता के विषय को समझना चाहते हैं, हमारे अंदर रुचि पैदा होती है कि भगवद गीता का विषय क्या है। इसलिए प्रभुपाद का जो आंदोलन है ये इस तरह का आंदोलन है कि हम एक बात को लेकर के वो नहीं करते कि अपनी पूरी शक्ति उसी में लगा दें और इसी का विरोध करें। तो कितने प्रकार के अनर्थ हैं, वो सब का कारण तो अज्ञान है। इसलिए एक एक अनर्थ के ऊपर हम जो है अगर आघात करें कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ना, तो उससे लाभ नहीं होगा। गो हत्या भी हो रही है ना, तो कितने प्रकार के अनर्थ हैं। ये एक ही को लेकर के अगर हम अगर पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरा समय उसमें लगा देते हैं, तो उसका कुछ लाभ हो सकता है, कुछ समय के लिए हो और फिर से वही आ जाए, स्थिति वही आ जाएगी। लेकिन अगर हम शिक्षा पर जोर देते हैं, अज्ञान को दूर करने के लिए हम शिक्षा प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करें, आप हरे कृष्ण का कीर्तन करिए, प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करिए, तो इससे क्या होगा, इससे अज्ञान दूर होगा। अज्ञान दूर होगा तो सब प्रकार के अनर्थ दूर होंगे। उसी प्रकार से जैसे जड़ में आपने जल डाला तो पूरे वृक्ष में वो जल जाता है, पूरे वृक्ष का सिंचन होता है। लेकिन अगर एक शाखा को आप हरा करना चाहते हैं कि भाई ये पत्ते जो है ठीक हो, हरे हो जाएं, तो आप कर नहीं सकते। एक एक पत्ते में आप पानी डालें तो वो उचित नहीं है। उसी प्रकार से एक एक अनर्थ को जो है दूर करने के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ नहीं है। आप किसी पत्ते को जो है पानी डाल करके कुछ हरा कर सकते हैं, लेकिन फिर वो तो सूखना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। एक भी अनर्थ आप दूर नहीं कर सकते हैं।
बल्कि और उल्टा होगा कि आप मारे जाएंगे, आपको गोली लगेगी, जैसे गांधी जी को गोली लग गई। तो अगर जड़ जड़ में आप नहीं जाते हैं, जड़ को जो है अगर आप सिंचन करते हैं तो आपका पूरा चतुर्दिक उससे विकास होता है। हर चीज की जड़ तो अज्ञान है, इसलिए प्रभुपाद इस बात पर जो है नहीं जोर देते हैं कि स्त्रियों में ये कमी है, पुरुषों में ये कमी है, और ये आज के समाज में ये समस्या है। प्रभुपाद किसी समस्या पर विचार नहीं करते हैं। हर समस्या का जो जो जड़ है, कारण है, वो क्या है? अज्ञान है। अज्ञान को दूर करें। ऋषि कुमार प्रभु स्त्रियां पति को त्याग करती हैं, लेकिन वो स्थितियां ऐसी हैं कि वे मन से त्याग करती हैं, शरीर से नहीं। जैसे कि विप्र पत्नियां थी, यज्ञ पत्नियां, तो जब भगवान ने अपने सखाओं को भेजा था कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, और जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे तो उन्होंने भोजन नहीं दिया, वो यज्ञ में लगे रहे, तो स्त्रियों को जब पता चला तो उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया। किस दृष्टि से? कि अपने पति की आज्ञा लिए बिना भोजन के थाल लेके चलेंगे, भगवान के पास चलेंगे। और अब उनको बहुत डर था कि हमारे पति बड़े कठोर हैं और हमें स्वीकार नहीं करेंगे, और हम जाएंगे उनके पास और वो कहेंगे कि अब हम स्वीकार नहीं करते तुम्हें, तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। तो ये होना ही था। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हम जाएं और वो हमारा त्याग करें, और उससे कि हम ना जाएं। क्या विचार है? हम उनके पास जाएं और वो हमारा त्याग करें कि तुम चले जाओ, जहां जाना है जाओ, तो उससे अच्छा क्या है? हम जाएं ही नहीं, आप हमारा पालन करिए, हम आपकी शरण में हैं। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा है, तुम जाओ, और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं तो किसकी हिम्मत है तुम्हारा त्याग करने की? भगवान कहते हैं जिसको मैंने स्वीकार किया है तो कौन तुम्हारा त्याग कर सकता है? तुम्हारा वे सम्मान करेंगे, तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। और वो जब गई तो उनको बड़ा संशय था, बहुत डर था कि वो कह देंगे, और ये बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं थी, बहुत डरते डरते गई। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी निंदा की और उनकी सम्मान किया। हरि बोल। अपने अपने को धिक्कारा, अपने को, हमारा ब्राह्मण जन्म को धिक्कार है, हमारी गायत्री को धिक्कार है, हमारे वेद मंत्र को धिक्कार है, हमारे यज्ञों को धिक्कार है, हमारी तपस्या को धिक्कार है। इन्होंने ना तो कुछ तपस्या की, ना कुछ मंत्र सीखे हैं, ना यज्ञ किए हैं, और इन्होंने जो है भगवान को प्राप्त कर लिया और हम यहीं के यहीं बैठे रहे। तो उन्होंने अपने को धिक्कारा। तो अगर जो है भगवान की भक्ति में अगर स्त्रियां लग जाती हैं तो अपने शुरू में दिक्कत हो सकती है, तो उनको छिप करके माला जाप करना होगा, या कुछ छिप करके कुछ करना होगा, तो ये हो सकता है। लेकिन आगे चल करके स्थिति उनकी सम्मानजनक हो जाती है, क्योंकि भगवान काल के रूप में स्थितियां बदल देते हैं। लेकिन शुरू में कठिनाई हो सकती है, और ऐसी स्थिति में स्त्रियों को अपने ऊपर से उन्हें जो है विरोध नहीं करना है, लेकिन मन से तो त्याग करना ही है। उनके पाप कर्म का समर्थन ना करे, उनके पाप कर्म में सहयोग ना करे, तो यही। जैसे कि वाल्मीकि मुनि जो रत्नाकर नाम के डाकू थे, तो जब डाका डालते थे, तो जब नारद जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पाप कर्म में तुम्हारी पत्नी सहयोग देगी, तो पत्नी ने साफ मना कर दी, हम तुम्हारे पाप कर्म में सहयोग नहीं देंगे। और भगवान बोल ही रहे हैं कि जो पापी नहीं है ऐसे पति का पत्नी त्याग ना करे, पापी है तो त्याग कर दे। तो यहां रत्नाकर नाम के डाकू की जो पत्नी है, तो उसने अपने पति का त्याग कर दिया। क्या कहा? कि मैं तुम्हारे पाप में हिस्सा नहीं बटाऊंगी, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम ये पाप कर्म करो? बच्चों ने भी कहा
हम तुम्हारे पाप कर्म ऐसा नहीं बताएंगे। तो ये थोड़ी कि पत्नी बड़ी सती है तो ठीक है पति के पाप कर्म में सहयोग दे, नहीं। तो यहां पर पति का जो है पत्नी को ध्यान रखना है कि वो शास्त्र के विरुद्ध अगर आचरण कर रहा है पति तो पति के कार्य में सहयोग ना दे। लेकिन ये संभव नहीं है कि शारीरिक रूप से वो त्यागे, है ना। और कोई? हाँ जी, हाँ। इनका प्रश्न है कि चंद्रमा में जाना संभव नहीं है तो क्या अन्य ग्रहों में भी? हाँ, अन्य ग्रहों में भी। जैसे यार अर्जुन गए, अर्जुन स्वर्ग में गए, इसी शरीर से अर्जुन स्वर्ग में गए, और युधिष्ठिर महाराज ने तो शरीर ही नहीं छोड़ा, उसी शरीर से स्वर्ग चले गए, और अर्जुन ने शरीर नहीं छोड़ा, कुछ समय के लिए स्वर्ग गए फिर वापस आए। तो ये किसी व्यक्ति की विशेष योग्यता हो तो वो जो है ऐसे इसी शरीर से जा सकता है, नहीं तो आपको जिस लोक में जो शरीर प्राप्त हुआ है वो उस लोक में रहने के अनुसार शरीर प्राप्त हुआ है। जैसे मछलियां हैं तो उनको पानी में शरीर प्राप्त हुआ है तो पानी से बाहर नहीं जीवित रह सकती, और आपको जो है पानी से बाहर शरीर प्राप्त हुआ है तो आप पानी में जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें भी तो है, जितने कीड़े मकोड़े हैं जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर ही रहते हैं। तो जिसको जैसा शरीर मिला है उसी के अनुसार वो जो है जीवित रहता है। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, वैकुंठ धाम या गोलोक धाम की जो बात है इसमें कोई अंतर नहीं है। अभी हम इस विषय में नहीं जा रहे हैं कि गोलोक धाम और वैकुंठ धाम में कोई अंतर है। मुख्य बात यह है कि शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। ये बात आप दूसरे भक्तों से चर्चा करिए, क्योंकि अगर बहुत नीचे धरातल पर हैं तो फिर यहाँ चर्चा नहीं करना चाहिए। यहाँ बात जो है वो ये है कि शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, वो गोलोक धाम हो या वैकुंठ धाम हो, लेकिन शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। शाश्वत समझ रहे, इटर्नल लाइफ प्राप्त होती है ना, जहाँ की जन्म और मरण नहीं है वो प्राप्त होता है। गोलोक धाम कोई जाए वैकुंठ जाए इसमें कोई अंतर नहीं। आपका स्वरूप कैसा है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है। आपका स्वरूप कैसा है आपको वो जगाना है। आपका स्वरूप भगवान के जिस अवतार के साथ है आप उसी को प्राप्त करेंगे, तो कुछ अंतर नहीं है गोलोक धाम में वैकुंठ धाम में। हम इसमें कोई वो नहीं करते कि कमी है कोई, कि वैकुंठ धाम में कोई कमी है तो हम वैकुंठ गोलोक धाम जाएं। ये हमारा चुनाव नहीं होता। हमारा चुनाव होता है कि हमें अपना स्वरूप जगाना है। हमारा स्वरूप क्या है भगवान के धाम में, हमारा स्वरूप कहाँ पर है, कौन सी सेवा में, वही हमें प्राप्त करना है, वो गोलोक धाम में हो या वैकुंठ में हो। ये चुनाव नहीं होता हमारा कि हमें गोपी ही बनना है, हमें गोपी भाव ही प्राप्त करना है, ये चुनाव नहीं हमारा। अगर हमारे भगवान की सेवा में हनुमान जी उसी में संतुष्ट हैं, वो भगवान के सेवक हैं, हम सेवा मांग रहे हैं, ये हमारा चुनाव नहीं होता है कि हमें गोपी भाव, हमें गोपी बनना है, हमें राधा रानी बनना है, ये हमारा चुनाव नहीं होता है। हमें अपना स्वरूप जगाना है। हमारा स्वरूप क्या है हम उसी स्वरूप में प्राप्त करें और उसी में रहें, उसी में संतुष्ट रहें, अनंत सुख है, किसी में कमी नहीं है। कि हम कहेंगे वैकुंठ में कमी है तो हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। अगर कहा जाता है गोलोक धाम ऊपर है वैकुंठ से ऊपर है, और कृष्ण से उनका ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, तो हमारा इस विषय में चुनाव नहीं होता है कि नहीं हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम गोलोक धाम जाएंगे और वैकुंठ में कमी है, ये हमारा विचार नहीं है। हम ये इस प्रकार का विचार हमें अनपने नहीं देना है। आप समझ रहे, ये बातें जो है मतलब इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। ये हमारा स्वरूप है लेकिन उसमें नित्य सुख है। कोई भी धाम हो, वैकुंठ हो या गोलोक हो, नित्य सुख है, जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है, ठीक है। हाँ जी, हाँ आप फिर से बोलिए। किस विषय में?
स्त्री पुरुष का। तो किसी भी धर्म में किसी भी धर्म में ये नहीं है कि स्त्री को स्वतंत्रता दी जाए, किसी भी धर्म में स्त्री को स्वतंत्रता देने की बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, कुछ धर्म हैं जिनमें कि वो करते हैं उसका, जो है मुसलमानों में कुछ ऐसा है, त्याग करते हैं तलाक, तो उनके धर्म में कुछ है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में ये सब होता है। लेकिन फिर भी समाज में वो उस स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने दिया जाता। अगर पति से तलाक भी हो जाए तो भी समाज में वो रहेगी, वो किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार कर लेगी, वो रहेगी उसी समाज में। तो ये सब जो व्यवस्था है समाज के द्वारा की जाती है, स्त्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया जाता किसी भी धर्म में। हाँ जी, हैं? इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद की जो सिस्टर थी तो उनके पति मांस खाना पसंद करते थे, तो उनको बनाना पड़ता था। तो ये एक मजबूरी है, अगर स्त्री ऐसी व्यवस्था में फंस जाए, उसे करना पड़े, तो ये उसका दोष नहीं माना जाता। लेकिन वो इस कार्य को मन से नहीं कर रही है, इस कार्य को मन से नहीं कर रही है, तो आपका मन ही कारण है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपका मन ही कारण है। तो उस कार्य को मन से नहीं कर रही है, वो व्यवस्था में कर रही है, तो इसलिए उसको दोष नहीं लगता है। अगर पति जो है इतना आसुरी है कि वो पत्नी को विवश करता है कि तुम खाओ मांस खाओ, और उसको खाना पड़े, तो वो भी उसकी मजबूरी होती है, तो ऐसे में उसको दोष नहीं लगता है। लेकिन वो जो है अगर भगवान से प्रार्थना करती है तो भगवान की भक्ति का द्वार खुला है, भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं है, वो भगवान से प्रार्थना कर सकती है, अपने अंदर अंदर प्रार्थना कर सकती है, और स्थितियाँ बदलती हैं, फिर आगे चल करके जीवन के दिन बदलते हैं, और सब कुछ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता रहता है, तो सब कुछ होता है। ज़्यादा समय तक अन्याय चलता नहीं, किसी का भी अत्याचार ज़्यादा समय तक चलता नहीं है, तो कभी कभी समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना। और कोई प्रश्न? हाँ जी, अच्छा इसके बाद माता जी। हाँ, पत्नी अगर क्या करता है, हिंसा मारपीट, हाँ पत्नी को मारपीट करता है, पति जो है पत्नी को मारपीट करता है, तो उसको सहन करना चाहिए, यथा संभव सहन करना चाहिए। लेकिन अगर समाज में उसके पक्ष में अगर कुछ लोग तैयार होते हैं और वो बात रखी जा सकती है समाज के बीच में, और पति के ऊपर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है, तो ये सब बातें समाज के अंदर ही होनी चाहिए कि कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर क्या हो। और फिर स्त्री जो है अपने पति का त्याग कर सकती है, तो फिर समाज में किसी दूसरे व्यक्ति को पति स्वीकार करे या कैसे रहेगी कि उसकी उसके सतीत्व की रक्षा हो। तो इस सब बातें जो है मतलब समाज के अंदर होने चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जो विधवा को जलाने की जो है जो प्रथा थी, तो उसका विरोध किया था। तो फिर जब जलने नहीं दिया, वो अब स्त्री कहाँ जाए, क्योंकि वो तो उसको मार डालेंगे, कहाँ जाए। तो उस स्त्री को फिर किसी मंदिर में भक्ति विनोद ठाकुर ने रहने की व्यवस्था कर दी। तो वो चूंकि सरकारी ऑफिसर थे, तो उनके अधिकार में, उनके दबाव में मतलब ऐसा हुआ कि अब वो जबरदस्ती उसको अपने मृत पति के साथ जला रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको रोका, लेकिन उनके साथ नहीं रह सकती वो, क्योंकि जो जलाना चाहते थे, मार डालना चाहते थे, तो उसके साथ कैसे रहे उनके साथ? तो भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे कि वो कैसे रहेगी, तो किसी मंदिर में उसके रहने की व्यवस्था कर दी उसकी। तो ये समाज की तरफ से ऐसा मतलब होना चाहिए, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं मिलना चाहिए, उसी में उसकी सुरक्षा है ना। हाँ जी माता जी। हाँ अगर पति भक्ति करता है, पत्नी नहीं करती है,
और अगर वो पति के कार्य में सहयोग देती है तो आधा फल लेती है वो अपने पति का। अगर जो है पति के कार्य में पूरा सहयोग देती है और पति भक्ति करता है तो उसको जो है पति के का जो है आधा उसको फल मिलता है, और पति को भी फल मिलता है अगर भक्ति नहीं करता है, ये पत्नी की भक्ति में सहयोग दे रहा है और संतुष्टि अगर संतुष्ट है वो, तो उसको भी जो है आधा फल मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है जिस तरह से, अगर विरोध करे तो फिर अलग बात है। अगर पत्नी विरोध करती है पति का या पति विरोध करता है पत्नी का तो फिर अलग बात है, ठीक है ना। हाँ जी, कलयुग का प्रभाव है तो इस्कॉन जो हरे कृष्ण आंदोलन, इसके अलावा जो दूसरे जो धर्मावलंबी लोग हैं तथा कथित धर्मावलंबी हैं, तो वे भी जो स्त्रियों का पक्ष लेते हैं और स्त्रियों की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, तो आजकल वो आ रहा है मीडिया में, वो लोग आ रहे हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये सब जो है वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है, लेकिन आजकल अज्ञान फैला हुआ है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की। श्री श्री गौर नित्याय की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की। हरे कृष्णा।